क्या आपके काम में बाधाएं आती हैं? क्या आपका कोई काम नहीं बन रहा है और रुका हुआ है? क्या आपके खर्चे अधिक हो रहे हैं? क्या आप नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं या विवाह में रुकावटें आ रही हैं? तो घबराइए मत, हम आपको इस वीडियो में कुछ आसान परंतु असरदार टोटके बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। अगर आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो सफलता के द्वार आपके लिए खुल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सौरदेव संदीप कटारिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत और अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी वाले निशान को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं इन उपायों के बारे में जानना। यदि आप किसी शुभ कार्य को करने जा रहे हैं तो घर से बाहर निकलने से पहले घर के मुख्य द्वार पर काली मिर्च रखें और फिर उस काली मिर्च पर पैर रखकर घर से बाहर निकल जाएं और अपने कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना भी करें। ऐसा करने से आप जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं उसमें जल्द ही आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस टोटके का प्रभाव खत्म हो सकता है। अगर आप धन की कमी महसूस कर रहे हैं या फिर आपके पास धन आता तो है परंतु रुकता नहीं है तो शुक्ल पक्ष में काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर 7 बार घुमा लें। इसके बाद काली मिर्च के इन दानों को किसी चौराहे या सुनसान स्थान पर खड़े होकर 4 अलग अलग दिशाओं में फेंक दें और 5वें दाने को आसमान की ओर उछाल दें। ऐसा करने के बाद उस स्थान से वापस लौट आएं। ध्यान रहे कि वापस आते समय पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से खर्चों में भी कमी आती है और धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर या ऑफिस में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक हो गई है तो काली मिर्च के कुछ दाने लेकर, ये 6, 7, 8 इस तरह से लेकर, इन्हें घर या ऑफिस के किसी कोने में दिए में रखकर जला दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में या ऑफिस में नहीं रुकती है। ध्यान रहे, इस उपाय को कारगर बनाने के लिए सुबह और शाम 7 दिन तक लगातार करें और अगर किसी की बुरी नजर लगी हुई है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्तियों की पहचान और इनके उपाय कैसे करें, इससे संबंधित हमारे और भी वीडियोस हैं जिनका स्क्रीन शॉट आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। इन्हें क्लिक करके आप देख सकते हैं और इन उपायों का लाभ ले सकते हैं। अगर बिना मन के या मजबूरी में आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको काम कोई करना पड़ रहा है और उससे नुकसान भी उठाना पड़ रहा है तो कपूर और 1 फूल वाली लौंग को एक साथ जलाएं। ऐसा करने से आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी इच्छा के विपरीत कार्य करना भी बंद हो जाएगा। पर ध्यान रहे, इसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास की पूरी जरूरत है। पूजा करने के बाद आरती करते समय दीपक में 2 लौंग डालकर आरती करें। ऐसा करने से आपके हर काम आसानी से होने लगेंगे और किसी भी प्रकार की बाधा आपके काम को नहीं रोकेगी। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है या शनि की 37.5 या ढैया चल रही है या शनि के अशुभ प्रभाव हैं या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो कच्ची धानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती उतारें। ऐसा करने से आपको अवश्य लाभ मिल सकता है।
दोस्तों, इन उपायों को करने के लिए विश्वास और श्रद्धा बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करता है तो उसे फायदा भी भरपूर मिलता है। दोस्तों, अगर आप इन टोटकों की सामग्री को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एफिलिएट लिंक्स भी दे दिए हैं, जिसको क्लिक करके आप घर बैठे इन वस्तुओं को मंगवा सकते हैं। ध्यान रहे, ये एफिलिएट लिंक्स हैं। दोस्तों, अगर आप इस विषय में और भी अधिक विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बस इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की जानकारी से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और उपयोगी विषय पर वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। ये सारे लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, अपना उपयोगी समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।